नमस्कार, सच कहो पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन भी तुहाडा स्वागत है। नज़र पाउने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़, जवानों ने आतंकी किया ढेर, कई आतंकवादियों के लुके होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके शुरू किया तलाशी अभियान। गृहमंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में पदवियों ने 140 हथियार किए सरेंडर, जिन्होंने हाईकोर्ट राइफल्स और ग्रेनेड शामिल, पांच जिले में कर्फ्यू हटाया। दस दिए कि सूबे में 3 मई में भड़की सी हिंसा, इस दरमियान लुटे गए सन पुलिस विभाग तो 2000 हाईटेक हथियार। दिल्ली साक्षी मर्डर केस में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद, कोर्ट ने 3 दिन बधाया आरोपी साहिल का रिमांड, सुरक्षा कारणों के चलते मजिस्ट्रेट के घर तो ही आरोपी किया गया पेश, पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। महाराष्ट्र में मनाई गई मराठा योद्धा शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं सालगिरह, 7 दिनों तक चलने वाले समारोह तो पहला प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो मैसेज हुआ टेलीकास्ट। प्रधानमंत्री बोले, शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म करने में निभाई सी अहम भूमिका। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत में एकजुट हुई खां महापंचायत, ब्रिजभूषण के खिलाफ दंगल का किया ऐलान, टिकैत बोले, इस मुद्दे से सरकार ने कुछ नहीं किया तो इंटरनेशनल लेवल तक गूंजेगी किसानों की आवाज। देश के 5 सूबों में लो और 5 सूबों में वर्खा का अलर्ट मुड़ तो जारी, मानसून केरल तट के लगभग 400 किलोमीटर दूरी से, 4 या 5 जून में मानसून की दस्तक दे शंका। दस दिए कि देश के कई सूबों में मई के महीने में रिकॉर्ड तड़ हुई वर्षा। हरियाणा के पेंशन घोटाले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि 10 साल तो वध समय बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं हो पाई वसूली, कोर्ट के सवाल से विभाग के प्रधान सचिव नहीं दस पाए कारण। हरियाणा के जिला हिसार में किसानों और पुलिस में जबरदस्त झड़प, 33 केवी लाइन बिछाने से कर रहे थे किसान विरोध, बिजली निगम अधिकारी से हमला, हाथापाई के कई किसान जख्मी, भारी गिनती में पुलिस फोर्स ने संभालिया मोर्चा। पंजाब में अतवादी हमले के इनपुट से पुलिस अलर्ट, मोगा में अज्ञातों ने खालिस्तानी झंडा लहराया और लिखे नारे, पुलिस ने शहरों को लेकर पिंडों तक कढ़िया फ्लैग मार्च। पंजाब के जिला लुधियाना पहुंचे SC कमीशन चेयरमैन विजय सांपला, चेयरमैन बोले, निगम कर्मचारियों की समय से सैलरी नहीं आई तो आयोग लवेगा वड्डा फैसला। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।